गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबके लिए दुआ करें। आपको पता है जैसे पूरी दुनिया में यही सब चल रहा है कोरोना वायरस का बारे में, तो आप सबको पता ही होगा। तो प्लीज़ आप सबसे एक इन्फॉर्मेशन मुझे जो है शेयर करनी है। हर किसी को नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सीरियस ले लें, बिकॉज़ हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे खुद जहाँ पर घर है, मैं कराची पाकिस्तान में रहती हूँ, और मैं मेरे जो घर के पास है वो लिटरली सब मार्केट्स वगैरह सब कुछ बंद हो गई हैं, सारे स्टोर्स बंद हो गए हैं, जितने भी ग्रॉसरी के स्टोर्स वगैरह हैं सब कुछ बंद हो गया है, शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए हैं। इतना कि जो हम लोग जहाँ जो मेरा भाई है वो जिम जाता है तो वो जिम भी बंद कर दिया गया है। मतलब जहाँ पर भी 50 अक्रॉस लोग जो हैं जमा होंगे वो पूरे एरिया जो हैं बंद कर दिए गए हैं, पूरे सील कर दिए हैं। और जहाँ पे मेरे इन लॉज रहते हैं उस पूरे एरिया को तो इन्होंने बिल्कुल सील कर दिया है। तो प्लीज़ अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने से भी अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह से हमारा ख़तरा और जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से अवॉइड करें, मास्क पहनें। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, अगर आप वैसे तो आप बाहर मत जाएँ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बाहर जाना, लेकिन अगर आप बाहर जा भी रहे हैं किसी ज़रूरत के तहत, बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरी कोई मजबूरी है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहन के जाएँ, ताकि जो एयर में वायरस फैला तो वो खुदा ना खास्ता उससे आप जो है बच जाएँ। और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं। आप कोशिश करें कि आप बाहर से आ रहे हैं, आपको स्नीज आई है या कोई भी मसला है, आपको खांसी हो रही है, कोई भी वो है, आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने हैंड वॉश करें एंड हैंड वॉश के बाद आप हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करें। देखिए मेरे पास एक हैंड सैनिटाइज़र है, ये वाला डिलाइट का है, ये बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड ये देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और मैंने इसका स्टॉक ला के रखा हुआ है। तो ये एक सेफ चीज़ है, ये आप ज़रूर यूज़ करें, अपने हैंड को वॉश रखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर मत जाएं आप जो है ना, कोशिश करें। मतलब अगर आप जो है, मैं आपको एक और बात बताना भूल गई, जो यूटिलिटी स्टोर होते हैं यहाँ पे कराची में वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, स्टॉक ख़त्म हो गया है पूरा। जो भी हम महीने का मंथ का जो है पूरा राशन ला के रखते हैं, ग्रॉसरी ला के रखते हैं, वो पूरी जो है स्टोर्स में ख़त्म हो रही है। आटा जो है आप ला के रखें अपने घर में, और जो मेन ग्रॉसरीज हैं वो आप अपने घर में जो है 15 दिन या 3 हफ्ते का या अप्रॉक्स महीने का ले लें, आप पूरा मंथ का जो है एक्स्ट्रा ले के रख लें, जो ताकि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद हो रही हैं और भी अगर दुकानें वगैरह बंद हों, तो आपके घर में एटलीस्ट खाने की चीज़ें तो हों तो आप घर में आराम से रह सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये जो सब कुछ मार्केट्स वगैरह बंद हो रही हैं तो आपको इस हालात में जो है बाहर निकलना पड़ रहा हो। आपको बताना, एक और चीज़ बतानी थी मुझे कि जो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का जो निज़ाम है वो बेहतर है, लेकिन जो ऑफिस तो समझ में आता है, लेकिन जो बेचारे बेरोज़गार हैं जो रोज़ के बेसिस पे जो है रोज़ के बेसिस पे जो कमाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा एक बैड न्यूज़ है कोरोना वायरस की, क्योंकि हर जगह से आप देख सकते हैं हर जगह से बंद ही हो रहा है सब कुछ। और पाकिस्तान तो जो है कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा दूर था, इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ था, लेकिन अब ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी आ गई है तो हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। स्कूल के जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं ये सब बंद कर दिए गए हैं, इनको जो है टेम्प्रेरी एक वेकेशन दे दी गई हैं, ऑफ हो गई हैं सबकी, मेट्रिक की और कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ऑफ दे दी गई है, और गवर्नमेंट वालों ने सख्ती से मना कर दिया गया है। नोटिस आया है बाकायदा कि आप जो है कोई भी शॉप नहीं खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, कोई भी शॉप्स हो गई, ग्रॉसरी की शॉप्स हो गई, मल्टीपर्पज़ की शॉप्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकान होती हैं, और जो जितनी भी मतलब है ग्रॉसरी का कोई भी सामान है या शॉपिंग सेंटर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स मैं खुद देख के हैरान हो गई, लिटरली शॉपिंग सेंटर्स भी बंद हैं और लोग घर से ज़्यादा बाहर ही नहीं निकल रहे। मतलब आप शाम को या रात को या सुबह भी निकलेंगे घर से बाहर तो जो नॉर्मल जो जितना भी ट्रैफिक होता है बाहर, क्राउड होता है जितना भी, अब उससे बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। आप बाहर निकलेंगे तो आपको इतने लोग नहीं दिखेंगे जितने पहले दिखते थे, मतलब खुद लोग खुद ही अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना, तो आप भी अवॉइड करें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने जो है बच्चों को सेफ़ रखें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हर काम
कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको स्नीज हो रही है, कफ हो रही है या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है प्रॉपर हैंड वॉश करें, 20 सेकेंड्स तक हैंड वॉश करें अच्छी तरह से, और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहनें अगर बाहर जा रहे हैं। वैसे तो आप बाहर जाएँ नहीं, अगर आप किसी जो है बहुत ही मजबूरी के तहत बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहने, ठीक है। बस आपसे इतना ही इल्तिजा थी, तो दुआ करती हूँ कि ये वायरस जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हॉल्स वगैरह भी बंद करवा दिए गए हैं, सब कुछ बंद करवा दिया गया है, सब कुछ। मतलब आप दुआ करें जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो रोज़ के बेसिस पे जो है कमाते हैं पैसे, उनके लिए अल्लाह बेहतर करे और हम सब के लिए बेहतर करे अल्लाह ताला। आप सब प्लीज़ दुआ करें कि ये वायरस का कोई ना कोई हल निकल जाए और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया भर में से इस चीज़ का हल निकले, और जितने भी इस चीज़ के जो है क्राइसिस हो रहे हैं कोरोना वायरस के, जितने भी लोग विक्टिम बन रहे हैं कोरोना वायरस के, उन सबको अल्लाह ताला सेहतयाबी दे। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, तो आप भी दुआएं करें, नमाज़ पढ़ें, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह का जो है अजाब है हमारे पर, क्योंकि हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, इबादत ही नहीं करते किसी भी तरह से, मतलब किसी हाल में हम लोग खुश नहीं हैं, किसी हाल में हम लोग अल्लाह ताला की जो है शुक्र अदा नहीं करते। तो प्लीज़ इस तरह मत करें, आप शुक्र अदा क्या करें, हर हाल में शुक्र अदा क्या करें कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है, अपनी नेमतों से नवाजा है, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया है। हमें अपने से ऊपर लोगों को नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। कि हम लोग जो है ये बोलते हैं कि हमें यार ये मतलब हम दाल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम अपने से ऊपर वालों को देखते कि हम ये क्यों नहीं खा रहे हैं, हम अपने से नीचे वालों को नहीं देखते यार। कि लिटरली रोज़ाना पाकिस्तान में कितने करोड़ों आवाम जो है भूखे पेट होने की वजह से जो है मर जाते हैं, इतने लोग जो है मर रहे हैं खाने की वजह से, उनको खाना ही मैसर नहीं है। जो रोटी हम खा रहे हैं, जो सब्ज़ी हम खा रहे हैं, जो दालें हम खा रहे हैं, जो हमें यहाँ तक मतलब अटक जाती हैं, हम नहीं खाना पसंद करते, उन लोगों को बेचारों को वो भी मैसर नहीं है। उस चीज़ के लिए वो जो है तरसते हैं बेचारे, और वो भूखे पेट जो है उनका ये सीन हो रहा है। तो प्लीज़ दुआ करें, शुक्र अदा क्या करें हर हाल में अल्लाह ताला का, और नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें कोरोना वायरस के अपने लिए के कोरोना वायरस से जो है निजात दिलाया अल्लाह ताला। बस इतना ही चाहूँगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।